कहानी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं, जो 3 साल बाद चाइना से अपने शहर वापस आ रही होती है कि तभी रास्ते में समुद्री लुटेरों के बहुत सारे जहाज उसे घेर लेते हैं। ये देखकर एलिस के साथी अब उसे पायरेट्स के सामने सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन एलिस किसी भी हाल में अपने पिता के जहाज को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जहाज की स्पीड बढ़ाने को कहती है कि तभी उसे पता चलता है सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और इसीलिए वो जहाज के टॉप पर चढ़ के पर्दों को खोल देती है, जिसके बाद सामने आ रहे बड़े से पत्थर से बचने के लिए वो पर्दों की रस्सी को काट कर जहाज की डायरेक्शन को बदल देती है और ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने सभी साथियों की जान भी बचा लेती है। अब एलिस शहर आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है, तभी उसे पता चलता है कि लॉर्ड एस्कॉट की डेथ हो चुकी है और उनके बेटे हैमिश, जिसको एलिस ने शादी के लिए मना किया था, उसने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। ये जानने के बाद एलिस हैमिश से मिलने के लिए जाती है, जहां पार्टी चल रही होती है और तब उसे पता चलता है कि हैमिश ने शादी कर ली है और एलिस से रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसने एलिस के ना होने का फायदा उठाते हुए उसकी माँ से कंपनी में से उसके भी शेयर खरीद लिए हैं और अब वो एलिस के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उसे उसका घर वापस चाहिए तो उसे अपने पिता का जहाज उसे देना होगा। ये सुनकर एलिस अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो एक जगह बैठी हुई रो रही होती है कि तभी उसके पास एब्सोलम आ जाता है। एलिस एब्सोलम के पीछे जाती है और एक मिरर से होते हुए वो वापस उसी जादुई दुनिया में पहुँच जाती है। अब एलिस को जादुई दुनिया में देख कर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिराना आती है और एलिस को बताती है कि हैटर ने सभी से बात करना बंद कर दिया है और अब वो अकेले रहने लगा है, जिस पर एलिस उनसे इसकी वजह पूछती है। तब वो बताती है कि हैटर एक दिन जंगल में खेल रहा था और उस दौरान उसे अपनी टोपी का एक टुकड़ा मिला था, जिसे उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए बनाया था और टुकड़े को देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि अगर ये टोपी का टुकड़ा सुरक्षित है तो उसका परिवार भी रेड क्वीन के हमले से बच गया होगा, इसीलिए वो अपने परिवार को वापस पाना चाहता है। ये सब सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और तुरंत हैटर से मिलने जाती है, जहां वो एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि जब एक बार में गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, तभी दुर्भाग्य से उस ड्रैगन ने हमारे इलाके में हमला कर दिया और मुझे अपने पिता से माफ़ी मांगने का मौका तक नहीं मिला, इसीलिए मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा हैं। ये सुनकर एलिस उससे कहती है कि तुमने तो बताया था कि ड्रैगन के हमले में तुम्हारा परिवार मारा गया था। हैटर कहता है कि तुम असली एलिस नहीं हो, क्योंकि मैं जिस एलिस को जानता हूँ वो मेरी मदद करती, और ये कहते हुए वो एलिस को घर से निकाल देता है, जिसके बाद एलिस मिराना के पास आकर हैटर को ठीक करने का तरीका पूछती है। मिराना उसे बताती है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जाना होगा जब हैटर के परिवार पर ड्रैगन का हमला हुआ था और उन्हें किसी भी तरह से बचाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि अगर इस जादुई दुनिया का कोई भी जीव टाइम ट्रैवल करके अपने पुराने रूप को देख ले तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब क्योंकि तुम उस हमले के वक्त इस दुनिया में आई नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे वहाँ जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर एलिस मान जाती है। इसके बाद मिराना उसे एक घड़ी के पास लाती है, जिसके अंदर एक टाइम नाम का आदमी रहता है और उसके पास टाइम मशीन थी, जिससे वो इस जादुई दुनिया के टाइम को संभालता था। अब एलिस उस घड़ी के अंदर चली जाती है, जहाँ जाने पर उसे टाइम का महल दिखाई देता है, जिससे मिलकर वो उसे अपनी परेशानी बताती है, पर टाइम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब वापस आ रही एलिस को रास्ते में रेड क्वीन दिखाई देती है, जो कि अब वहाँ पर रहती है। दरअसल टाइम को उस पर बहुत पहले से ही क्रश था और जैसे ही मिराना ने उसे जादुई दुनिया से निकाला, तब टाइम उसे अपने महल में ले आया। उसे देखकर एलिस हैरान हो जाती है। अब रेड क्वीन टाइम के पास जाकर उससे टाइम मशीन मांगती है, ताकि वो वक्त में पीछे जाकर मिराना से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन टाइम उसे भी मशीन देने से मना कर देता है। वहीं एलिस छुपते छुपाते वहां पहुंच जाती है, जहां टाइम मशीन रखी होती है, जो कि एक मोती की तरह दिख रही थी, और एलिस उसे उठा लेती है। ऐसा करते ही टाइम को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है, जबकि उधर जादुई रोबोट एलिस पर हमला कर देते हैं और एलिस को उनसे बचकर भागना पड़ता है। इस भाग दौड़ में उसके हाथ से मोती गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वो मोती एक मशीन में बदल जाता है। ऐसा होते ही एलिस तुरंत उस पर सवार होकर टाइम ट्रैवल करने निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ टाइम भी आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। साथ ही वो एलिस को पकड़ने उसके पीछे जाने लगता है।
इधर एलिस टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में पहुंच जाती है जब मिराना के पिता इस दुनिया के राजा थे और उसे यहाँ हैटर मिलता है जो कि इस वक्त एलिस को नहीं जानता था, इसीलिए वो उसे पहचान भी नहीं पाता। अब ये वही टाइम था जब रेड क्वीन को ताज पहनाया जा रहा था और इसीलिए सारे लोग महल में जा रहे थे। अब जब उसे ताज पहनाया जाता है तो उसका सर बड़ा होने के कारण ताज टूटकर गिर जाता है। ये देखकर हैटर हंसने लगता है और बाकी सारे लोग भी हंसने लगते हैं, जिससे रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मारने का हुक्म देती है। लेकिन तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं तुम्हें रानी नहीं बना सकता, इसीलिए अब मिराना को रानी बनाया जाएगा। ये सुनते ही रेड क्वीन आग बबूला हो जाती है और सबको मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैटर के पिता हैटर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम हंसते ना ये बवाल होता, इसीलिए आज के बाद तुम दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। हैटर भी गुस्सा होता हुआ अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में एलिस उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा परिवार खतरे में है और यदि आज तुमने उन्हें नहीं बचाया तो इसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होगा। लेकिन हैटर वहां से चला जाता है और एलिस अकेले ही उसके पिता को बचाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो मिराना की बातें सुनने लगती है, जहां मिराना बता रही थी कि दरअसल बचपन में रेड क्वीन के सर पर एक चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसका सर ऐसा हो गया। तभी एलिस सोचने लगती है कि अगर वो टाइम ट्रेवल करके उनके बचपन में पहुंच जाए और रेड क्वीन की चोट ही न लगने दे तो यहाँ ड्रैगन का हमला भी नहीं होगा और हैटर का परिवार भी बच जाएगा। इसीलिए वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में पहुंच जाती है जब रेड क्वीन बच्ची थी और इस वक्त छोटी मिराना एक केक के टुकड़े को खा लेती है, जिसे खाने से उनकी माँ ने दोनों बहनों को मना किया था। और ऐसा करते हुए रेड क्वीन मिराना को देख लेती है और उसकी शिकायत अपनी माँ से करने लगती है, लेकिन माँ के पूछने पर मिराना झूठ बोल देती है और उल्टा इल्जाम रेड क्वीन पर लगा देती है और माँ की सारी डांट रेड क्वीन को सुननी पड़ती है, जिसके बाद वो गुस्से में घर से निकल जाती है और भागते हुए उसे चोट लगने ही वाली होती है कि तभी एलिस आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती और रेड क्वीन का सर बड़ा होने लगता है। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि वो अब यहाँ के हालात नहीं बदल सकती, क्योंकि दोबारा से उसी टाइम में पहुँचने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तब वो वापस से टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच जाती है जब ड्रैगन हैटर के परिवार पर हमला करने वाला था, लेकिन वो देखती है कि हमले से पहले ही कुछ सिपाही आकर हैटर के पूरे परिवार को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि हैटर सही कह रहा था और उसका परिवार अभी जिंदा है। इसके बाद एलिस तुरंत प्रेजेंट में आकर हैटर के पास पहुंचती है ताकि उसे ये खबर दे सके, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि हैटर की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अगर जल्दी ही उसके परिवार को नहीं खोजा गया तो वो मर जाएगा। अब एलिस उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार जीवित है और रेड क्वीन के कब्जे में है और हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर हैटर होश में आ जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए सबके साथ रेड क्वीन के महल की तरफ निकल जाता है, पर रेड क्वीन उन्हें आता देखकर समझ जाती है कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब महल पहुंचकर ये सब हैटर के परिवार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिलते और इस बात से हैटर भी बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक कांच के डिब्बे पर पड़ती है जिसके अंदर चींटियों को रखा जाता है और अचानक से उस डिब्बे पर एक टोपी बन जाती है। ये देखकर हैटर जब उस डिब्बे में देखता है तब उसे अंदर उसका परिवार नजर आता है, जिसे छोटा करके उस डिब्बे में बंद किया गया था। लेकिन तभी उस कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ रेड क्वीन आकर उन सभी को बंदी बना लेती है, जिसके बाद वो एलिस से टाइम मशीन लेकर मिराना को पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर उस वक्त के लिए निकल जाती है जब मिराना ने केक के बारे में झूठ बोला था। लेकिन उसके जाते ही सारे लोग एलिस को आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि वो भी रेड क्वीन से परेशान थे और उन्हें पता था कि सिर्फ एलिस ही उन्हें बचा सकती है। अब टाइम एलिस से कहता है कि तुम्हें हर हाल में रेड क्वीन को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने अपने रूप को देख लिया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और एलिस हैटर को साथ लेकर टाइम की गाड़ी से रेड क्वीन के पीछे निकल जाती है, जबकि इधर रेड क्वीन उसी टाइम में पहुंच जाती है और छोटी रेड क्वीन जैसे ही उसे देखती है वैसे ही ये दुनिया तबाह होने लगती है। और अब इसे बचाने का एक ही तरीका टाइम ने बताया था कि ऐसा होने पर टाइम मशीन को वापस उसकी जगह पर रखना होगा। तभी एलिस उस जगह पहुंच जाती है और मोती को लेकर वापस से उसकी जगह रखने के लिए निकल पड़ती है।
और उसके पीछे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही होती है, जिससे कि उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और एक जगह पहुंचकर हेटर भी उस खत्म होती दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एलिस अपने मकसद पर जमी रहती है और जब वो मोती को उसकी जगह रखने जा रही थी तब वो भी उस तबाह होती दुनिया का हिस्सा बनने लगती है और इससे पहले कि वो मशीन को रख पाए वो भी पूरी तरह जम जाती है और सारी दुनिया खत्म हो जाती है। पर तभी उस मोती से एक चिंगारी निकलकर मशीन से टकरा जाती है और इस चिंगारी से ये दुनिया वापस से ठीक होने लगती है। साथ ही एलिस और उसके सारे दोस्त ठीक हो जाते हैं। अब मिराना ठीक होते ही रेड क्वीन से अपनी गलती की माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है, जिससे कि रेड क्वीन का गुस्सा खत्म हो जाता है क्योंकि वो भी तो बस इतना ही चाहती थी। तभी वहाँ हेटर आकर अपने परिवार को ठीक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद रेड क्वीन उसके परिवार को बड़ा कर देती है और ये सब लोग खुश हो जाते हैं, जबकि एलिस अपनी दुनिया में वापस जाने की तैयारी करने लगती है। हालांकि हेटर उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी एलिस नहीं रुकती और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहां हैमिश एलिस की माँ से एक साइन करने को कह रहा था, जिसके बाद एलिस के जहाज हैमिश के हो जाएंगे। पर तभी एलिस वहां पर पहुंच जाती है, जो कि अब अपनी माँ से नाराज नहीं होती और ये देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। साथ ही वो हैमिश के पेपर फाड़ देती है और एलिस के बिजनेस में हाथ बटाने का वादा करती है और उसके साथ काम में लग जाती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।